नमस्कार सभी को। माय सेल्फ डॉक्टर मोहन भाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी पेपर थर्ड का सिलेबस इंट्रोडक्शन। पेपर थर्ड है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। पेपर थर्ड में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, पूरा वनस्पति विज्ञान, जिसको जीवाश्म का स्टडी ऑफ प्लांट के जीवाश्म जो हैं उनकी स्टडी पैलियोबॉटनी के अंतर्गत करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं जिनका प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। टेरिडोफाइटा का प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफाइट। बीजाणुद्भिद होता है जो रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है, विभेदित होता है, और इनमें वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। और इसका जो गैमेटोफाइट है, जो सेकेंड स्टेज है, उसको प्रोथैलस भी कहते हैं। वो इंडिपेंडेंट एंड ऑटोट्रॉप स्टेज होती है जो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। प्रोथैलस जो गैमेटोफाइट होती है वो स्पोरोफाइट से अलग होती है और उनमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है, इसलिए वो ऑटोट्रॉप होते हैं। इनमें वैस्कुलर सिस्टम होता है, इसको स्टीलर सिस्टम कहते हैं। स्टीलर सिस्टम अलग अलग टाइप की स्टील होती है, प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील, जो सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्टील होती है उसको प्रोटो स्टील कहते हैं, और उसके बाद थोड़ी एडवांस टाइप को उसको साइफनो स्टील कहते हैं। इनमें जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, जो जाइलम होती है उसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं, और फ्लोएम होता है उसमें कंपेनियन सेल्स, सह कोशिका एब्सेंट होती है। प्रिमिटिव टाइप का, सिंपल टाइप का वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स हमें देखना है, उसके बाद उनका टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन देखना है, उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जो पैलियोबॉटनी में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे कि कैसे अलग अलग जो प्री कैम्ब्रियन है, पैलियोजोइक है, मीसोजोइक है, सीनोजोइक है, जो अलग अलग एरा हैं उनके, उसके बाद जो पैलियोजोइक है उसको कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया। मीसोजोइक जो एरा है उसको ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस तीन पीरियड में डिवाइड किया। तो इस टाइप का जो अलग अलग जो सीनोजोइक है जो अभी है उसको टर्सरी एंड क्वार्टरनरी अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से ब्रायोफाइटा, कौन से टेरिडोफाइटा की ओरिजिन कब हुई, कब वो पृथ्वी पे डोमिनेंट वेजिटेशन थी, डोमिनेंट प्लांट थे, जिम्नोस्पर्म कब डोमिनेंट थे, एंजियोस्पर्म कब ओरिजिन हुआ, कब डोमिनेंट, तो ये पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, अलग अलग जीवाश्म हैं तो जीवाश्म के अलग अलग प्रकार, एंड प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, कितने टाइप के फॉसिल्स हैं और प्रोसेस क्या है फॉसिलाइजेशन की, ये हमें देखना है। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ पैलियोबॉटनी, पूरा वनस्पति विज्ञान का अप्लाइड एस्पेक्ट हमें देखना है। और दो जो फॉसिल प्लांट हैं, रायनिया एंड विलियमसोनिया, उनका स्ट्रक्चर हमें देखना है। रायनिया एंड विलियमसोनिया दो फॉसिल प्लांट हैं, फॉसिल प्लांट जो अपने सिलेबस में, रायनिया एंड विलियमसोनिया। तो ये यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम टेरिडोफाइटा के बेसिक कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, स्टीलर सिस्टम एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, फॉसिल्स के टाइप, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ पैलियोबॉटनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ रायनिया एंड विलियमसोनिया, ये हमें देखनी है। उसके बाद यूनिट सेकंड है अक्रेंस स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइलोटम, लाइकोपोडियम एंड इक्विसीटम। तीनों मेंबर जो टेरिडोफाइट्स के मेंबर हैं, साइलोटम, लाइकोपोडियम एंड इक्विसीटम, उनका हमें अक्रेंस देखनी है, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, उसका जो स्पोरोफाइट है उसकी स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ साइकिल हमें देखना है,
ये यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड है अक्रेंस स्ट्रक्चर लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिलेजिनेला टेरिस एंड मार्सिलिया। तो ये इनके पूरी लाइफ साइकिल देखनी है। राइनिया एंड विलियम्स सोनिया दो जीवाश्म प्लांट फॉसिल प्लांट हो गए। उसके बाद साइलोटम लाइकोपोडियम इक्विसिटम सिलेजिना सिलेजिनेला टेरिस एंड मार्सिलिया ये मेंबर हैं टेरिडोफाइटा के। इसके बाद होमोस्पोरी हेटेरोस्पोरी ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। ब्रायोफाइटा तक प्लांट थे उनमें सभी में होमोस्पोरस कंडीशन थी। सभी जो स्पोर थे वो सेम साइज के थे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जैसी कंडीशन नहीं थी। लेकिन टेरिडोफाइटा के कुछ मेंबर में होमोस्पोरस कंडीशन है। होमोस्पोरस कंडीशन में सभी स्पोर्स का साइज शेप समान होता है। तो स्पोर का जर्मिनेशन से जो गैमेटोफाइट बनेगा वो एक ही टाइप का बनेगा। यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट जैसी कंडीशन नहीं होती होमोस्पोरस कंडीशन में। हेटेरोस्पोरस कंडीशन में क्या है कि कुछ स्पोर छोटे होते हैं माइक्रोस्पोर कहलाते हैं और कुछ स्पोर बड़े होते हैं ये माइक्रोस्पोर और कुछ स्पोर बड़े होते हैं ये मेगास्पोर कहलाते हैं। माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से स्पोर बनेंगे। स्पोर के जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट बनता है और मेगास्पोर के जर्मिनेशन से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। मेल गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडिया बनती है और फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्किगोनिया बनती है। ये मेल गैमेट बनते हैं यहाँ पे फीमेल गैमेट बनते हैं और उनके बाद निषेचन होता है जायगोट बनता है। तो इस प्रकार की जो हेटेरोस्पोरी कंडीशन है और इसी से ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। उसके बाद टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस कंडीशन होते हैं। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट स्टार्ट टेरिडोफाइटा से होती है और उसके बाद जो स्पर्मेटोफाइटा है जिसके अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट ये माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट सिलेजिनेला प्लांट से स्टार्ट हुई थी। तो ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट जो ये कंसिडर किया गया कि सिलेजिनेला से ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट स्टार्ट है तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो सीड हैबिट के लिए या जो सीड फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होते हैं। तो ये हम देखेंगे होमोस्पोरी हेटेरोस्पोरी एंड ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट। ये यूनिट थर्ड है। सीड हैबिट का ओरिजिन सिलेजिनेला से माना जाता है। उसके बाद यूनिट फोर में है जिम्नोस्पर्म के बारे में हम देखेंगे। जिम्नोस्पर्म जो स्पर्मेटोफाइटा के अंदर आते हैं यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है। सीड बनते हैं लेकिन सीड फ्रूट के अंदर नहीं होते, सीड नेक्ड होते हैं, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी प्लांट कहते हैं। जनरल कैरेक्टर्स जिम्नोस्पर्म के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट आर्थिक महत्व है एंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन अकरेंस स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ साइकस पाइनस एंड इफेड्रा। तीन मेंबर हैं जिम्नोस्पर्म के, साइकस पाइनस एंड इफेड्रा, जिनके हमें अकरेंस देखनी है कहाँ पे पाए जाते हैं। मोर्फोलॉजी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है उनमें मेल कोन फीमेल कोन, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मेगास्पोर अलग अलग स्पोर बनते हैं और उनके जर्मिनेशन से मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये पूरी उनकी मोर्फोलॉजी एनाटमी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, इसलिए बड़े बड़े प्लांट हैं वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट होती है। और लाइफ हिस्ट्री साइकस के अलग अलग वैरायटी, पाइनस के अलग अलग वैरायटी, इफेड्रा कहाँ पाया जाता है ये पूरा हम देखेंगे यूनिट फोर एंड यूनिट फाइव में जो जिम्नोस्पर्म मेंबर के तीन मेंबर हैं साइकस पाइनस
इफेड्रा। तो ये यूनिट 4 और 5 है और पेपर 3 है, जिसमें टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा, टेरिडोफाइट्स का बेसिक करेक्टर, और उसमें 2 फॉसिल प्लांट हैं, राइनिया एंड विलियमसोनिया, और उसके बाद साइलोटम लाइकोपोडियम इक्विसिटम। सिलेजिनेला टेरिस मार्सिलिया, तो ये मेंबर हैं टेरिडोफाइटा के। उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम स्केल पैलियोबोटनी में टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ पैलियोबोटनी। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म में हम देखेंगे साइकस, स्पाइनस एंड इफेड्रा। तो ये पेपर 3 बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी का कंप्लीट सिलेबस का इंट्रोडक्शन है। और हमने पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 तीनों का इंट्रोडक्शन देख लिया। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हम देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। बीएससी फर्स्ट ईयर सबसे पहले प्रायोन्स, उसके बाद वायरोइड्स, उसके बाद वायरस, उसके बाद बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ये पूरा सिलेबस है। सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन और इन्फेक्शन पार्टिकल हम जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, जिनमें पैथोजन इन्फेक्शन की कैपेसिटी होती है, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन पार्टिकल प्रायोन्स होते हैं, जो मिसफोल्डिंग के कारण डिजीज, कुछ न्यूरोजेनेटिक डिजीज कोज करते हैं। उसके बाद वायरोइड्स, जिसमें ओनली जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जो सिंगल स्टैंड होता है वायरोइड्स में। वायरस किससे बना होता है, डीएनए या आरएनए से प्लस प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन भी होता है और जेनेटिक मटेरियल भी होता है, इसलिए उसको वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। डीएनए या आरएनए में एक होगा और प्रोटीन साथ में। उसके बाद बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, सेल वाल भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, पेप्टिडोग्लिकन की सेल वाल होती है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है और प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, सेल वाल एब्सेंट होती है और कुछ प्लांट डिजीज भी हैं जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा खोज किए जाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। माइकोप्लाज्मा की सेल स्ट्रक्चर, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन से डिजीज खोज करते हैं। उसके बाद एल्गी, में थैलोफाइटा के 2 मेंबर हैं, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है, ऑटोट्रोप होते हैं, और हमें ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी के बारे में पढ़ना है। एल्गी के मेंबर हैं अपने सिलेबस में नोस्टोक, ओसिलेटोरिया, पोलवोक्स, उडोगोनिया, वाउचेरिया, कारा, एक्टोकार्पस एंड पोलिसाइफोनिया। उसके बाद फंजाई, में फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी नहीं होती है और या तो पैरासाइट होंगे या सेप्रोफाइट होंगे या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी होते हैं, और ये अपने सिलेबस में एक तो एल्बुगो कैंडिडा है, पेनिसिलियम है, मोरकेला है, पक्सीनिया, अस्टिलागो, अल्टरनेरिया, ये अपने सिलेबस में तो फंजाई के अंदर ये देखें हम। ब्रायोफाइटा में हम ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी गैमिटोफाइट होते हैं, सबसे बड़े गैमिटोफाइट ब्रायोफाइटा के होते हैं। हमें रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस एंड स्फेग्नम, ये अपने सिलेबस में है 4 मेंबर ब्रायोफाइटा के। और उसके बाद ब्रायोफाइटा के बाद लाइकेन भी है, लाइकेन जो एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो लाइकेन
क्रस्टोज, फोलियोज, फ्रूटिकोज, लाइकेन के बारे में, तो कौन से फंगल कंपोनेंट हैं, कौन से एल्गल कंपोनेंट हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन के बारे में हम देखना है। उसके बाद टेरिडोफाइटा, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट टेरिडोफाइटा, जिनमें प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, रूट स्टेम लीफ में स्पष्ट डिवाइड होता है, वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको स्टीलर सिस्टम कहते हैं, और इनमें राइनिया विलियमसोनिया दो फोसिल प्लांट हैं। उसके बाद साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, मार्सिलिया टेरिस एंड सिलेजिनेला में सिलेबस में। उसके बाद पैलियोबोटनी के बारे में हमें देखना है, पैलियोबोटनी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अलग अलग टाइप के फोसिल्स के बारे में, प्रोसेस ऑफ फोसिलाइजेशन हमें देखना है। और उसके बाद जिनोस्पर्म, जो स्पर्मेटोफाइटा हैं, जिसमें हमने हमें क्या, एक तो साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा, तीन मेंबर देखने हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी का, जो प्रायोन्स, वायरस, वायरोइड्स, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, लाइकेन, स्टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पैलियोबोटनी एंड कुछ माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोजन, जो प्लांट डिजीज है उनके बारे में पढ़ना है। तो कंप्लीट सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी का, और तीनों वीडियो में हमने आपको अलग अलग पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड का सिलेबस का ओवरव्यू आपको दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ईयर के बच्चों में कि सिलेबस पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्गी कौन सा है, फंजाई कौन सा है, ब्रायोफाइटा कौन सा है, टेरिडोफाइटा कौन सा है। इसलिए हमने आपको एक स्लाइड में यार एक वीडियो में आपको बताया कि सिलेबस का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अदरवाइज बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है और बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी पेपर थर्ड। थैंक यू।